नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा ऐलान कि गरीब जनता के बिजली के बिल किए जाएंगे माफ, पर उसके लिए करना पड़ेगा अमीरों को बिल का भुगतान, तभी किए जाएंगे गरीब जनता के बिजली के बिल माफ। ये कहना है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। उनका कहना है कि जितने भी रसूखदार लोग हैं वो अपने बिजली के बिल का भुगतान करते जाएं, ताकि हम गरीब लोगों को थोड़ी राहत दे सकें। कहीं ना किस अहमान से गरीबों के चेहरों पर खुशी तो आएगी, पर सवाल बड़ा ये रहेगा कि जितने भी रसूखदार या जिनके लिए उपराज्यपाल ने आह्वान किया है कि उनके बिजली के बिल भुगतान करेंगे, क्या उपराज्यपाल के कहने से वो जो रसूखदार हैं, जिनमें चाहे वो मंत्री आते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स आते हैं या कोई बड़े बड़े यानी रसूखदार लोग आते हैं, वो बिजली के बिल भरेंगे? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं कि उपराज्यपाल की नज़रों में कौन लोग हैं रसूखदार? क्या वो कोई सियासतदान है, सियासी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं? वो बिल कौन भुगतान करेगा? क्या उपराज्यपाल के ऐलान के बाद वो खुद ब खुद जाकर बिल का भुगतान करेंगे, तो उसके बाद आप गरीबों के बिल को माफ करेंगे? ये उपराज्यपाल का जो बयान आया है कहीं ना कहीं उन गरीबों के लिए खुशी का बयान तो है, पर इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन लोग इस कैटेगरी में आएंगे, किस तरह से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनके लाखों के हिसाब से बिल पेंडिंग है, यानी जिन लोगों की लाइबिलिटी लाखों के हिसाब से है? सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स या मंत्री नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे सरकारी इदारे भी हैं जिनका लाखों क्या करोड़ों की लायबिलिटी है बिजली के बिल के भुगतान की। सबसे पहले उनके बिल भुगतान होने चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? एलजी मनोज सिन्हा का कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अमीर या गरीब या रसूखदार लोग बिजली का बिल भुगतान करें, तो हम गरीबों को बिजली मुफ्त, उनके बिल जो पुराने बिल हैं, जो पेंडिंग उनकी लायबिलिटी है, उनको बिल माफ कर देंगे। पर एलजी मनोज सिन्हा जी, आज भी अगर बिजली का बिल जो भुगतान कर रहे हैं वो गरीब लोग हैं, वो आम जनता ही भुगतान कर रही है। चाहे 5,000 बिल है, चाहे किसी का 10 आता है, चाहे 15 आता है, अगर वो नहीं भुगतान करते हैं तो ये इस तरह से उनके बिजली के कनेक्शन कट कर दिए जाते हैं। ये किसी रसूखदार का, किसी मंत्री का या किसी सरकारी इदारे का बिल, इस तरह से उनका कनेक्शन कट नहीं किया जाता। ये कट जो कनेक्शन होता है, ये आम जनता का ही होता है। इसीलिए जनता, गरीब जनता परेशानी के आलम में, उन्होंने तो कनेक्शन का, जो बिजली का बिल है, वो भुगतान करना ही करना है। अगर भुगतान नहीं करते तो हमारे सर डाटा जो पिछले दिनों हमने कई बार मीडिया के सामने भी लाकर, आम जनता के सामने, पब्लिक डोमेन में भी लाया है, कितने बड़े बड़े नेता हैं जिनके लाखों के हिसाब से बिजली के बिल पेंडिंग है। कई सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं जिनके करोड़ों के हिसाब से बिजली के बिल की पेंडिंग जो लाइबिलिटीज है, उन लाइबिलिटी को क्लियर करवाना किसका काम है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये आम जनता का काम नहीं, या गरीब जनता का काम नहीं, जिसके लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि हम गरीब जनता का के बिल माफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ही इसमें सतर्कता बरतनी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ही कदम उठाना होगा इन सारी लाइबिलिटीज को क्लियर करवाने के लिए। जिस तरह से जेके पीडीसीएल, जब हम बात करते हैं, अगर किसी भी आम जनता का अगर बिल पेंडिंग होता है तो पीछे से उनका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। इसी तरह से जितने भी अगर सरकारी इदारे हैं उनके भी अगर कनेक्शन काट दिए हैं, या ये कहेंगे कि जितने भी सियासी लोग हैं उनके अगर ब्यूरोक्रेट हैं, अगर उनके कनेक्शन भी कट कर दिए जाए, तो उनकी अगर लाइबिलिटी क्लियर कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं गरीब जनता को राहत देने में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी यानी कारगर साबित हो सकता है। तो ये अब देखना है कि कौन कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं, किन किन लोगों के बिजली माफ करने की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उपराज्यपाल ने बात की है, और किन किन लोगों की तरफ इशारा किया है कि अगर अमीर लोग बिजली के बिल प्रॉपर तरीके से भरेंगे तो गरीब लोगों के बिजली के बिल माफ किए जा सकते हैं। और उपराज्यपाल ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से वचनबद्ध है कि जम्मू कश्मीर की जनता को राहत देने के लिए, जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े, उस तरह से ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाए जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं
कि पिछले साल से अगर यानी कि एक पिछले कई सालों से नौकरियां नहीं दी कि ये तो उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है पिछले साल यानी पिछले लगभग एक से दो साल की अगर बात या तीन साल की बात करें लगभग 30,000 नौकरियां जो है वितरित की गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो नौकरियां मिलेंगी वो नौकरियां जो युवा हैं उनके योग्यता के आधार पर उनकी काबिलियत के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। पहले वो जमाने के जबकि कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद या कहीं ना कहीं अपने रसूखदारी के बल पर नौकरियां मिलती थी, अवैध रूप में नौकरियां बांटी जाती थी, पर अब अवैध रूप से नौकरियां नहीं मिलेंगी पर वैध रूप से मिलेंगी, पर वो मिलेंगी युवाओं की योग्यता और उनकी काबिलियत के और उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलेंगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कुछ लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से वचनबद्ध है किस तरह से जम्मू कश्मीर के में प्रगति और उन्नति के रास्ते खोले जाए, युवाओं के लिए नए रास्ते और उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए नौकरियां यानी कि लाई जाए ताकि वे रोजगारी की कगार जो रास्ते वो कम किए जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा सबसे जो बड़ा मुद्दा है जो लगातार आम जनता स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन कर रही है कि हमारे पुराने बिजली के बिल जो माफ़ किए जाएँ, उसी को लेकर एक बड़ा बयान एलजी मनोज सिन्हा का आया है। कहीं ना कहीं वो बातें जो प्रदर्शन से एलजी मनोज सिन्हा तक उसकी बात तो पहुंची है, जो इस तरह का उन्होंने बयान दिया है कि ज़रूर हम इस पर नज़रसानी करेंगे, ज़रूर गरीबों के बिल माफ़ किए जाएंगे, पर बशर्ते कि जो अमीर लोग हैं जो रसूखदार लोग हैं वो पूरी तरह से अपनी बिजली जो इस्तेमाल करते हैं कंज्यूम करते हैं समय समय पर अपना बिजली का बिल जो भुगतान करें। पर क्या एलजी मनोज सिन्हा जिसे ज़रूर हम ये पूछना चाहेंगे क्या उस कैटेगरी में सियासी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, सरकारी इदारे आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे जिनके सरकारी इदारों के करोड़ों के बिल हैं और जो सरकार जो नेता है जो सियासी पार्टियों के नेता जिनके लाखों के बिल हैं क्या उनसे भी भुगतान करने की बात आपने कही है या सिर्फ उन लोगों की जो बिजनेसमैन है जो या बड़े जो जो रसूखदार जो आम जनता है उनके लिए कहा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।